it's hot. Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say. Hey, chal. Chalna. Hard. अरे ससुर जी कहते पैरों पे खड़े रहो, लेकिन यहाँ ऐसी हालत है कि जिंदगी में कभी बैठ नहीं पाऊंगा। अरे एक देना। ए, पहले तू देना। तू अब तक यही है, दू क्या? देना। हट हट, तू जा रहा है कि नहीं? जा रहा हूँ। तेरा ना कुछ समझ में नहीं आता। अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया। मैं जा रहा हूँ। क्या कुल्हाड़ी घुसाएगा क्या? बोलू? हेलो बॉस। हाँ बॉस। अच्छा आपका आदमी है? मेरा कोई बॉस नहीं है। तो चुप रे। नहीं नहीं बॉस, आपको नहीं। ओके बॉस, हम अभी आते। नहीं 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 नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक काम कर, ये पकड़, ये पकड़, ठंडा ले, ठंडा हो, चल। सांड घुस तो नहीं गया गाय के तबेले में? देखो जरा क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये सब करने के लिए तुम्हें इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत है? ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें यहाँ संभाल कर रहना। शुशु क्या? अबे शुशु क्या? क्या कर रहा है? अबे तू इधर है? तो और किधर रहूंगा? नहीं अंदर कोई और शुशु कर। नहीं करूं मैं, झगड़ा। अबे नहीं करूं मैं, झगड़ा। नहीं करूं मैं। साठ पागल हो गया है। अबे हाँ, अबे तेरी तो जगह से बहुत तेरे को फिर मेरे इधर इधर जनता चोरी है। तीन दिखाता है। सच्ची ये आदमी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये आदमी नहीं चाहिए मुझे। बहुत गंदे घर में साथ पी के जादू क्या कर रहा था? मुन्नी को देख रहा था छक के, सोई मुन्नी को छेड़ रहा था। बाबला अबे तुम, ए तुम लोग छोड़ो छोड़ो यार। सच्ची झूठ बोला ये? झूठ बोला ये? बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। मेरे को ढूंढ रहा था? उसके रूम में क्यों ढूंढ रहा था? अरे मुझे ढूंढ रहा था, संडास में ढूंढता। तू संडास में सोता है? सच्ची संडास में नहीं सो रहा था। ये इसको पूछो, ये मुन्नी के रूम में झांक के देख रहा था कि नहीं, पूछो इसको। तू मुन्नी के रूम में झांक रहा था बाबला? अब क्या बोलूं मैं, फफला गया अभी, फफला गया। क्यों झांक रहा था? मैं इसलिए झांक रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि अंदर कौन है। अंदर कौन होगा सेठ जी, अंदर कौन होगा? अंदर तो बेचारी मुन्नी थी, सो रही थी, खिलाटे मार रही थी। बेचारी मुन्नी? संडास से देख रहा था तो बेचारी मुन्नी को? छोड़ो ना यार, बोले दो। सुन मैं, अंदर से आवाज आ रही थी, एक मर्द की आवाज आ रही थी, मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? सेठ जी, सेठ जी कितना गंदा आदमी है, अपना नाम बचाने के लिए मुन्नी का नाम खराब कर रहा है। सेठ जी पूछो इसको, कितना झूठ बोलता है। तू राम के भगत, एक मिनट ठहर। सेठ जी सब लफड़ा खत्म करो, दरवाजा खोल के देखो इसका, लड़की का नहीं, नहीं, रही है ये? नहीं, नहीं मैं देखता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, आप नहीं देखोगे, पता नहीं उसने कपड़े पहने कि नहीं। सेठ जी उसने पत्नी वाली नहीं देखता हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं देखूंगा। मुन्नी 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 दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुन्नी मुन्नी अंदर कोई है? कोई नहीं है सेठ जी। ओके ठीक है, तुम सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट। ऐसे कैसे गुड नाइट? एक मिनट ठहरिए, अंदर देखा किसी ने? मुन्नी किसी बात कर रही थी? किसी से भी नहीं बाबला। देख मैंने तेरे को किसी से बात करते हुए सुना है। ओ वो तो मैं अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। आप लोगों ने ही तो कहा था कि आपको सुबह तक रेडी चाहिए। क्या हुआ? ये
बाबला शर्म नहीं आती तुझे? जा जाकर लड़की से माफी मांग। अबे माफी मांग इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई सर जी। इसको सजा दो, इसको सजा दो सर जी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सजा कैसे? सजा क्यों? भूल गया, भूल गया जब मैंने अंजलि को गलती से छेड़ दिया था तो आप लोगों ने मुझे धोबी बनाया था, भूल गया सर जी? याद दिला उसको, अगर ये इसको सजा नहीं मिलेगी नहीं तो मैं, नहीं तो क्या, नहीं तो मैं मुन्नी को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा, समझे? हाँ हाँ ये ठीक कह रहे हैं, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। क्या मुसीबत, तू कल से रसोई घर में सबके लिए खाना पकाएगा, तू खुश? हाँ अभी के लिए ठीक है, लेकिन आगे की सजा मैं बाद में सुनाऊंगा। सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाओ। ए सुनो सुनो सुनो, कोई भी उस रूम के नजदीक नहीं जाएगा, समझे ना? कोई भी नहीं जाएगा। तू एक काम कर, तो रात को चौकीदार बन के वहाँ बाहर खड़ा रहे, चमगादड़ साले, अंदर चलो चलो चलो, रात भर जागते रहते हो। अबला जीना हराम कर दिया है। कहाँ था तू? अरे यार, और ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे तो हुलिया तो चेंज करूंगा ना, आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय सेल्फ, किसी ने पकड़ लिया तो। अबे गोली किसी का हुलिया नहीं पूछती। तूने इसके भाई को फोन किया या नहीं किया यार? ओ मैं इसके भाई को फोन क्यों करूंगा? डॉन, ओ डॉन, हां डॉन को तो फोन करना पड़ेगा। हां सर। क्या सर? अबे अबे तू, अरे मैं वहीं खड़ा हूं जहां मैंने तुझे बुलाया था। ओ हम भी तो यहीं हैं, तू कहाँ है? काए, 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 रे। ओए, इतने सारे, अबे इनमें से डॉन कौन है? ओए, छोड़ा करे। मुझे सेल्फी डॉन की सेल्फी चाहिए, और उससे पहले किसी ने कुछ भी हरकत की मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे सर खत्म ही कर दो ना इस साले का टंटा। गुंजन ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बंद कर। हाँ हम यहाँ से तेरी बहन को भेजेंगे और तू वहाँ से मेरी टुट्टू को भेज। हाँ हाँ, ए तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? जो भी डिसाइड करूंगा मैं करूंगा। तू मेरी बहन को वहां से भेज, मैं तेरी बहन को यहाँ से भेजता हूँ। अबे तो वही तो कह रहा था, ये डॉन है। अबे इसको तो सर्कस में होना चाहिए था, बच्चों का एंटरटेनमेंट। चल चल भेज भेज भेज। चल चल जाग जाओ अब। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस भाई, मुझे नहीं लगता तेरी वाली पलटने वाली है। अरे नहीं पलटेगी यार, तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रीति तुम्हें पता है? अरे ओए ये क्या कर रही है? लड़की भाई रोक यार, पागल हो गई हो क्या? ए रोको, साले इधर आके बराती बन गए, लड्डू खिलवाता हूँ तुम्हें, मैं किधर जाऊँ? देखना वो बच ना जाए, अगर वो बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। तू हिम्मत दे रहा है, डरा रहा है मेरे को? नहीं नहीं हिम्मत रख, तू तू देखना उसके सर पे ऐसा फटका मारूंगा ना अंधा हो जाएगा वो, जिंदगी भर सॉरी सॉरी बोलता फिरेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सर पड़ जाएगा उसका दिखना। अच्छा वो अंधा हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा, इससे तो इंटरेस्ट नहीं है, निराली मेरी हो जाएगी। वो आ गया वो। ए, मुझे अचानक याद आ रहा है मुझे सुसु आ रही है। ठीक है बाथरूम में रेडी रखता हूँ, तू मार के तो आ। थैंक यू। हम है तेरे साथ, चल। अरे ये क्या किया तूने? लगता है जान से मार दिया तूने।
जान से थोड़ी मारा, मैंने तो रोड से मारा था। लेकिन तू तो सिर्फ अंधा करने वाला था ना उसे। ये तो अंधा पड़ा। कौन है? अबे भूत देखा क्या? पता नहीं। कौन है ये? ए ओ ए ओ क्या बोल रहा है ये? हाँ वो आज तो कुछ नहीं बोलेगा मेरे दोस्त। ओ ओ ओ ओ ये बोल रहा है, इसे भूख लगी है। चुप माया ओ। अबे तेरी वो किधर गया? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन था। दादाजी का कोई लफड़ा तो नहीं है? छी 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 छी, दादी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। नहीं यार, दादाजी भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन गोपाल तू बहुत अच्छा है, तुझे कोई रोड से नहीं मारेगा। तू चल, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। खाना बनाया? पतला हो गया तू। मायो कमरा अच्छा है बुड्ढे का। हाँ, लेकिन आधा तेरा आधा मेरा है। अबे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे तू आधी आधी क्या बातें करता है? कभी तू यहाँ सो, कभी मैं वहां सो, कभी एक दूसरे के ऊपर सोएंगे, भाई भाई मिलके सोएंगे। हाथ में लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा किराया दिया, आधा मेरा ना। ये साइड तेरा, ये साइड मेरा है। अच्छा, वैसे तो है कौन सा साइड? अच्छा गले तो मेरे। नहीं नहीं, मैं लौंडों के गले नहीं लगता। अच्छा, इतना इतरा रही है तू? जो भी समझना है समझ। अच्छा सुन, ये जो तेरे गुल्लक है, तेरे भगवान है, इन्हें भी तो वहां ले जा। भगवान में तेरे मेरा नहीं होते, भगवान सबके होते हैं इक्वल। और सुन, बंटवारा कमरे का हुआ है, दीवारों को नहीं, भगवान यहाँ से नहीं लेके। तो ये जो मैं पोस्टर लाया अपने बैग में, ये कहाँ लगाऊंगा? जहाँ मर्जी मैं लगा दे, यहाँ से भगवान नहीं लेके। सुन आइडिया दूं, बाथरूम में लगा, बाथरूम में। यार तेरे में इतना गुस्सा क्यों है? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख ये बोलने में भी गुस्सा हो रहा है। अरे फिर से बोलता, कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख कमरा कितना गर्म हो गया है, खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़की मत खोल। क्यों? बू आती है वहां से। मैं भी तो देखूं बू कैसी लगती है। वैसे आधे पैसे दिए, आधी खिड़की तो जरूर खोलूंगा मैं। और तू मेरी साइड पे खड़ा, तेरे गले भी मिलूंगा। मैं क्रॉस हो जाता हूं। अरे साहब अभी ये केस बंद हो चुका है, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ रहे ले जबरदस्ती। तू नहीं समझेगा यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। इस उम्र में भी क्या पैलेस में खड़ा ये केकड़ा, क्या बात है, क्या बात है। इसके आसन का टाइम है, अभी भूकंप भी आएगा ना तो ये हिलने वाला नहीं। अच्छा तो निकल, जब चलेगा ना तो इसका बाप भी हिलेगा। जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। बाबा जी ये मिर्ची मुंह के अलावा कहाँ कहाँ लगती है? जहाँ तू सोच रहा है डैडी मैन, वहाँ तो लगती है, उसके अलावा खेतों में लगती है। ओ बाबा जी एक सवाल पूछूं? यही पूछोगे कि खेतों में ले चलूं? जी नहीं, यहीं पे पूछूंगी। पूछो पूछो। ये प्यार इश्क मोहब्बत क्या चीज होती है? कुछ नहीं पगली, ये सब अमीरों के फ्री में मजे लेने के चौचले हैं। बाबा जी एक सवाल मेरा भी है। पूछ ही लो एक बार। बाबा जी ये प्यार करना पड़ता है या हो जाता है? देखो बेटा ऐसा है, लड़की खूबसूरत हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है, और जबकि लड़की बदसूरत हो और मर्सिडीज पे हो तो प्यार झक मार के करना ही पड़ता है। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। आइए 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 पिंडो अंकल, मेरा आपका आलीशान फ्लैट। मेरा फ्लैट?
अभी तो देखा भी नहीं ठीक से। देखिए देखिए ना, रोशनदार, हवादार, शानदार। आपको इससे अच्छा फ्लैट कहाँ मिलेगा अंकल, है ना? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास राजू। कोई गधा, बेवकूफ, उल्लू का पट्टा ही होगा जो बोलेगा अच्छा नहीं है। आपको कैसा लगा अंकल? अच्छा है। देखा, देखते ही पसंद कर लिया। पिंटू, तुमको यही घर मिला? क्यों, है ना फर्स्ट क्लास? अरे कोई बेवकूफ, गधा, उल्लू का पट्टा ही होगा जिसे कि ये फ्लैट पसंद नहीं आएगा। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है लेकिन। लो, मैडम को भी पसंद आ गया। चलो जी, हमारा कमीशन निकालो, 10,000 रुपया। मगर बात तो 6,000 रुपए का हुआ था। हाँ, 6,000 फ्लैट का कमीशन और 4,000 हैप्पी क्लब का मेंबर बनने का। ये तुमने कब कहा? अभी कहा ना। नहीं 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 नहीं, हमें कोई मेंबर वेंबर नहीं बनना है। अबे 4 फुट, अगर तुझे यहाँ हैप्पी रहना है तो तुझे हैप्पी क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा। क्या हो रहा है डैडी? कौन? तुम? अरे ये तो बैटरी है। ये लोग यहाँ कैसे? डैडी ये तो किडनैपर्स हैं। किडनैपर्स? नहीं नहीं नहीं, उस दिन मॉल में ये लोग कोई लड़की उठाने आए थे। वो लड़की खुद उठना चाहती थी। नॉनसेंस। हे ओह गॉड पिंटो, इसको जल्दी बाहर निकालो। तुम हमारे पैसे निकालो, हम निकलते हैं। किडनैपर्स को एक पैसा मत दो। हम बिना पैसे नहीं जाएंगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले। हम पैसे भी नहीं मानने वाले। कैसे नहीं मानोगे? मुन्ना नीचे सामान उतार रहा है, वो तुमसे बात करेगा। कॉल हिम। मुन्ना, कोई मुन्ना आ रहा है। क्या हो रहा है? तू कौन है बे? तू स्टूल पे क्यों खड़ा? मुन्ना राजा। डर मत, डर डर मत। चले गए। कुछ कहा? चले गए। प्रॉब्लम? साउंड? कोई प्रॉब्लम नहीं जी, पहले इनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, आप आ गए, इनकी बातों में वेट आ गए, अब समझ गए। और रख रद्दी और रख कंजूसी मत कर, चल डाल। और डाल तो रहा हूँ बस। और अरे शेर जी, वजन तो रखिए, आप खुद क्यों बैठे हैं? अरे ससुरी के सोना तुलवा रहा है क्या है? और वैसे भी मैं 32 किलो का हूँ तो बांट की क्या जरूरत है? आप 32 किलो, कम से कम 72 किलो के होंगे। 72 किलो के इस महंगाई के जमाने में डेढ़ रोटी खाकर आजकल 72 किलो का कौन है? शेर जी आप बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी। अरे रद्दी के, हजारी प्रसाद से धंधा करना है तो हजारी प्रसाद के तरीके से ही करना होगा, समझे? अरे सेठ जी, आप यहाँ कहाँ लटक रहे हो? देखो आपके द्वार पर साक्षात लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी। अरे ये है सेठ गिरधारी लाल जी, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी, आइए आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। बोलिए मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे सेठ जी, आपके लड़के को कॉलेज की स्टेज पर देखा था इन्होंने, लड़का इन्हें पसंद है। तो कोई परेशानी नहीं। अरे मुरारी जरा दो चाय लाना। ना ना ना, समझ गया मालिक। जी मुझे आपकी बेटी पसंद है। अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्मीद कहाँ तक है, कुछ अंदाजा बताएंगे? अंदाजा? गिरधारी लाल जी, पूरी लिस्ट तैयार है, देखिए बहुत छोटी सी है, देखिए। लाल प्रसाद जी, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, आपकी मांगे इसमें से कुछ कम नहीं हो सकती क्या? कम करवानी है तो अगली दुकान पे चले जाइए अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। पनक जी, देखिए मैं तो दूसरी दुकान पे चला जाऊंगा, लेकिन आपको साफ बता देता हूँ, कारोबार तो आप रद्दी का करते हैं, यानी कबाड़ी का। आपकी मांगों को देख के ऐसा लगता है कि आपको अपने लड़के की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करनी पड़ेगी। दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे गिरधारी लाल जी, कि ये गंगू तेली एक दिन अपने बेटे की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करके रहेगा।